नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवीज पर। दोस्तों एक बार हम फिर से बात करने वाले साउथ इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार धनुष, इनके इस साल की धमाकेदार पैन इंडिया फिल्म कैप्टन मिलर के बारे में, जो कि इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने दो दिन पूरे कर चुकी राज्य फिल्म का तीसरा दिन। दोस्तों फिल्म ने शुरुआत तो काफी धीमी ली थी, जिसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन कई फिल्में रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से फिल्म को थोड़ी धीमी शुरुआत मिली, लेकिन फिल्म ने अपने तीसरे दिन काफी बड़ा जंप ले लिया। जी हां दोस्तों, आज के दिन ये फिल्म सभी भाषाओं से काफी जबरदस्त कमाई कर रही है और ये फिल्म हिंदी भाषा में भी आज काफी अच्छे कलेक्शन करने वाली। तो अगर आप भी सुपरस्टार धनुष के बहुत बड़े फैन हैं, जानना चाहते हैं कि ये फिल्म अभी तक टोटल कितना कलेक्शन कर चुकी है और ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर, जिसको की ऑडियंस की तरफ से काफी आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिल रहा है, जिसकी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। दोस्तों शुरुआती दो ही दिनों में यह फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से लगभग 18 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वहीं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से यह फिल्म शुरुआती दो दिनों में लगभग 30 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों आज के दिन तो यह फिल्म मॉर्निंग से संडे होने की वजह से लगभग 25% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है और दोस्तों आज के दिन यह फिल्म सिर्फ हिंदी भाषा से लगभग 5 करोड़ तक की कमाई करने वाली है और बाकी सभी भाषाओं से फिल्म का कलेक्शन काफी जबरदस्त आने वाला है, जिसको अगर टोटल किया जाए तो यह फिल्म आज के दिन लगभग 20 करोड़ की कमाई सभी भाषाओं से दुनिया भर से करने वाली है। और दोस्तों इसे टोटल किया जाए तो फिल्म का कलेक्शन शुरुआती तीन ही दिनों का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 करोड़ का हो जाएगा और दोस्तों इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन लगभग 32 करोड़ का हो जाएगा और फिल्म का बजट है लगभग 60 करोड़ और दोस्तों आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर यह फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर भी 60 करोड़ की कमाई कर लेगी और अपना बजट निकालते हुए हिट फिल्म बन जाएगी। लेकिन दोस्तों आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर यह फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आने वाले 2 हफ्तों तक साउथ की कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली, जिसकी वजह से फिल्म को काफी स्क्रीन्स मिलने वाली और ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में काफी अच्छा कलेक्शन भी करने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।